Let us start question number 9 of first chapter miscellaneous exercise. Right? पहले इस क्वेश्चन को आप बुक में पेज नंबर 30 पे एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन नंबर 9 को आप रीड कर लीजिए अच्छे से. वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है. x एक नॉन एम्प्टी सेट हमें गिवन है. राइट, पी एक्स पावर सेट ऑफ x है और स्टार हमें px क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट ऑफ x. स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन कहां से कहां तक है, px क्रॉस px टू px तक है. राइट, एंड a स्टार b की जो डेफिनेशन हमें गिवन है, a स्टार b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b गिवन है, कि अगर स्टार किन्हीं दो सेट्स पे ऑपरेट होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, देयर इंटरसेक्शन. राइट, एंड हमें शो करना है एक्स इज आइडेंटिटी फॉर दिस फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार. इस सेट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, सेट एक्स. सेकंड हमें शो करना है एक्स इज ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट इन दिस सेट. पी एक्स के अंदर ओनली x ही एक इन्वर्टिबल एलिमेंट है, बाकी किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सो लेट अस सी, फर्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं लेट a बिलोंगिंग टू पी एक्स. ए कोई सेट है जो पी एक्स में बिलोंग करता है. राइट, एंड x also belongs to px. राइट, क्योंकि x भी खुद का सबसेट होता है एंड पावर सेट में किसी सेट के सारे सबसेट होते हैं, इसलिए x भी क्या होगा, px में होगा. नाउ अगर हम a स्टार x करते हैं, a स्टार x फाइंड आउट करते हैं, इट मीन्स a इंटरसेक्शन b. a स्टार x का क्या मीनिंग है, a इंटरसेक्शन b. राइट, सॉरी, a इंटरसेक्शन x, क्योंकि x के साथ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए a स्टार x का मीनिंग होगा a इंटरसेक्शन x. एंड वी नो x px में बिलोंग करता है. x कहाँ बिलोंग करता है, px में. अगर x px में बिलोंग करता है, इट मीन्स a इज सबसेट ऑफ x. a x का क्या है, सबसेट. a बिलोंग्स टू px, a px में बिलोंग कर रहा है, px क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x. इसका मतलब a भी x का सबसेट है, a इज सबसेट ऑफ x. जो x का सबसेट नहीं होगा वो px में बिलोंग कर ही नहीं सकता. राइट, a अगर x का सबसेट है देन a इंटरसेक्शन x विल बी इक्वल टू x, सॉरी इक्वल टू a. इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है, जो सबसेट होता है वो आंसर होता है. सो a इंटरसेक्शन x दिस विल बी इक्वल टू a, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एज a इज सबसेट ऑफ x. देखिए जरा, हमने a स्टार x फाइंड किया है, इसका मीनिंग बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, a इंटरसेक्शन x. राइट, एंड a इंटरसेक्शन x विल बी इक्वल टू a एज a इज सबसेट ऑफ x. राइट, सेकेंडली अगर हम x स्टार a फाइंड करते हैं, x स्टार a, देन इट विल बी, x स्टार a का मीनिंग क्या होगा, x इंटरसेक्शन a. फिर से दो सेट्स का इंटरसेक्शन जिसमें a क्या है, सबसेट ऑफ x, तो डेफिनेटली x इंटरसेक्शन a किसके इक्वल होगा, a के इक्वल. राइट, दिस इंप्लाइज a स्टार x इज इक्वल टू x स्टार a इज इक्वल टू a. राइट, व्हाट इट मींस, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a इज इक्वल टू सेट इट्स एलिमेंट इटसेल्फ, देन e विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट. यहां पर भी ऐसा ही है, a स्टार x इज इक्वल टू x स्टार a इक्वल टू a. वापिस हमारे पास
ए एलिमेंट आता है, इट मीन्स एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स इज एक्स क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, करेक्ट। सेकेंड हमें शो करना है एक्स इज ओनली इन्वर्टिबल एलिमेंट, सिर्फ एक्स ही एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सेकेंड पार्ट के लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ए और बी दो सेट हैं जो पी एक्स में बिलोंग करते हैं, सच दैट, और कैसे सेट है ये, बी इज इनवर्स ऑफ, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी क्या है ए का इनवर्स, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, ए बी कहां बिलोंग कर रहे हैं पी एक्स में बिलोंग कर रहे हैं, तो दोनों ए के एक्स के सबसेट होंगे, एज ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ एक्स, करेक्ट, जिसको हम आगे यूज करेंगे। नाउ हमने बी को ए का इनवर्स अज्यूम किया है, राइट, इट मीन्स ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्टार बी किसके इक्वल होगा आइडेंटिटी के इक्वल, एंड आइडेंटिटी हमने फाइंड किया है, आइडेंटिटी क्या है एक्स, सेट एक्स क्या है आइडेंटिटी, सो ए बी, ए अगर बी का इनवर्स है, सॉरी बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी अगर ए का इनवर्स है देन ए के साथ ए का इनवर्स ऑपरेट करने से क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ए स्टार बी किसके इक्वल आना चाहिए आइडेंटिटी के इक्वल, दिस इंप्लाइज ए स्टार बी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी इज ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू एक्स, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी एक्स के इक्वल है, राइट, इट मीन्स एक्स इज सबसेट ऑफ ए, एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ऑल्सो एक्स विल बी सबसेट ऑफ, एक्स विल बी सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर एक्स के इक्वल है तो डेफिनेटली एक्स क्या होगा ए का सबसेट होगा एंड बी का भी सबसेट होगा, करेक्ट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, राइट, एंड हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, ए इंटरसेक्शन बी इज एक्स, इट मीन्स एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी, करेक्ट, देखो जरा, दिस इंप्लाइज इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी, एंड नाउ आप इस रिलेशन को देखिए, ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ एक्स, ए एंड बी बोथ आर सबसेट ऑफ एक्स, यहां पर हमें गिवन है, हमारे पास है कि ए बी दोनों एक्स के सबसेट है, और यहां पर हमें यहां पर हमारे पास आया है कि एक्स इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी बराबर होते हैं तभी ऐसा होता है, राइट, इसके अकॉर्डिंग ए इज सबसेट ऑफ एक्स एंड यहां पर है एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन टू, इट मीन्स ए इज इक्वल टू एक्स, ए किसके इक्वल आ गया बी, एंड सेकंड से बी इज सबसेट ऑफ एक्स एंड यहां क्या है एक्स इज सबसेट ऑफ बी, यहां से क्या होगा बी विल बी इक्वल टू एक्स,
हमने ये अज्यूम किया था कि ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, कोई दो सेट हैं और बी क्या है इनवर्स ऑफ ए, राइट। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स। व्हाट इट मीन्स, बी इज इनवर्स ऑफ ए, इट मीन एक्स इज इनवर्स ऑफ ए। सो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो दो अलग अलग सेट्स लिए थे वो दोनों हमारे एक्स के इक्वल हैं, जिनमें एक सेट दूसरे का इनवर्स था। इसका इससे कंक्लूजन ये होता है, कंक्लूजन ये आता है हमारे पास, दिस इंप्लाइज ओनली एक्स इज इन्वर्टिबल, क्योंकि जिस सेट का हमने इनवर्स फाइंड की करने की कोशिश की थी वो तो एक्स के इक्वल ही हुआ, और उसका जो इनवर्स था वो भी एक्स के इक्वल ही है, राइट। दिस इंप्लाइज ओनली एक्स इज इन्वर्टिबल Invertible element and inverse of x is x itself, right? सिर्फ x invertible element है और x का inverse कौन है, x itself।